रमजान का चांद दिखा तो मुस्लिम मोहल्लों में खुशी की लहर दौड़ गई। कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होगा और इसीलिए रोजेदार निकल पड़े रमजान की खरीदारी करने के लिए बिल्कुल बेपरवाह होकर। दिल्ली में कादरी मस्जिद इलाके के बाजार की ये तस्वीरें देखकर कोई भी समझदार शख्स माथा पीट लेगा। काहे का लॉकडाउन, काहे की सोशल डिस्टेंसिंग, काहे का कोरोना और काहे का कोरोना का संक्रमण। हजारों की तादाद में लोग उमड़ आए, पुलिस वाले मूक दर्शक बने देखते रहे। सब पर रमजान की खुशी का ऐसा खुमार था कि भूल गए कि दिल्ली पर कोरोना का कहर बरप रहा है। ऐसे ही लोगों को समझाने और मनाने के लिए दिल्ली पुलिस दिल्ली की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो रमजान के दौरान नियमों का पालन करें, घरों से ना निकलें। रमजान का महीना जैसे कि अब शुरू हो रहा है तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में ही जो रात को खुलते हैं इफ्तार पार्टीज ना हो, अपने घर में रहें। मस्जिद वगैरह में मस्जिदें क्योंकि बंद हैं तो वहाँ पे इबादत के लिए ना जाएं, अपने घर में ही इबादत करें। जितना हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का पूर्णतः अपना पालन करें। इसी के लिए आज हम ये फ्लैग मार्च भी यहाँ निकाला है एरिया में, ताकि लोगों में एक सिक्योरिटी की फीलिंग रहे। दिल्ली वालों ने तो कोरोना से बेपरवाही दिखाई, मगर लखनऊ वाले सचेत दिखे। लखनऊ के नखास मार्केट में सेवई और खजूर लेने के लिए रोजेदार निकले, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और अपना इबादत में लगे रहें, और अगर हमारे जरिए किसी से और संक्रमण नहीं फैलता है तो इससे बड़ी भी कोई इबादत नहीं है। तो ये सबके लिए है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे भाइयों के लिए है कि इबादत का टाइम है, आप भी इबादत करें, हम भी इबादत करें और एक दूसरे को सेफ रखें। बिल्कुल पूरा पालन सरकार का, पूरा पालन जो है हम जो है धर्मगुरुओं का और पुलिस का, सबका कर रहे हैं। ये लोग कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक हैं। योगी सरकार की तरफ से भी मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि रमजान के दौरान नियमों का पालन करें। ये हम अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जाए इबादत के दौरान, और कोशिश की जाए कि घर में रहकर ही हम इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि देश में सब लोग स्वस्थ रहें, शांति हो, अमन के साथ हमारा देश आगे बढ़े। अलग अलग शहरों में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से यही अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, मस्जिदों की बजाय घरों में नमाज अदा करें। उम्मीद कीजिए कि इस मुकद्दस महीने में कोरोना के खत्म होने की दुआएं पढ़ी जाएंगी और नियमों का पालन करके इस महामारी को खत्म किया जाएगा।